हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7th का यूनिट टेस्ट यूटी। ठीक है, 2024-25 के लिए क्लास 7th मैथमेटिक्स का यूटी है 2024-25 का। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इक्वेशन से, क्वेश्चन है 5x-10=3x सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन इजीली। तो क्वेश्चन है आपका 5x-10=3x। हम क्या करेंगे, x वाले वेरिएबल को ट्रांसपोर्ट कर देंगे सेकंड साइड। तो यहाँ पे -10 रह जाएगा, इधर आ जाएगा 3x, ये प्लस का 5 है, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 5। तो आ जाएगा आपका -10=-2x। माइनस से माइनस को काटेंगे तो 10=2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2। तो एक्स की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगी 5। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका 5। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है हुज लेंथ इज 5.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.4 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम क्या करेंगे, 5.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 18.7। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, याद रखना मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये ऐसा यूनिट होती है एरिया की। क्वेश्चन थर्ड में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है, आपने प्रोडक्ट करना है किसका। क्वेश्चन थर्ड में प्रोडक्ट दे रखा है, किस किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है 3×7×14/11 को मल्टीप्लाई करना है। तो जो नंबर टेबल पे कट जाए उन्हें काट देना है, 7×2×14। तो आंसर आ जाएगा आपका 6/11। ठीक है, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा आपका 6/11, इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या है, 6/11। क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, एक्सप्रेस करने को बोला है 13/20 एज अ डेसिमल, 13/20। क्वेश्चन नंबर फोर में 13/20 को डेसिमल में करना है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 20 होता है तो हम उसे 100 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर तो आ जाएगा 100 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 13×5=65। फिर सॉल्व करेंगे तो नीचे जो दो नंबर, दो जीरो है ना, तो टू प्लेस के बाद क्या लगेगा, पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 0.65। तो क्वेश्चन जो फोर्थ है उसका आंसर 0.65 है। अपने आंसर आप मिला लें, और जिन बच्चों के यूटी और है वो इस तरीके से अपने यूटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको इंटीजर्स को ऐड करना है। इंटीजर्स है 3, -2 एंड -5, तीनों को आप ऐड कर देंगे इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स ऐड कर देंगे 3+(-2)+(-5)। अब इंटीजर्स का रूल लगा देंगे यहाँ पे, 3 बाहर प्लस हो अंदर माइनस हो तो अंदर वाला साइन आता है, यानी बाहर का साइन चेंज नहीं होता, यानी -2 बाहर प्लस अंदर माइनस तो माइनस का साइन आएगा। तो अब क्या है, दो नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या करेंगे 3-7, क्योंकि -2 और -5 ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर अलग ऐड होते हैं पॉजिटिव अलग। तो -2 -5 क्या हो गया, 7 और 3। अब 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -4। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या आएगा आपका, -4। जिन बच्चों का ये यूटी है आंसर मैच कर ले, बाकी बच्चे अपने यूटी की प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। मैथ्स का यूटी है ये क्लास 7th। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है राइट द, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स -7। ऐसे इंटीजर्स बताओ जिनके जब सम करें तो उनका सम क्या आ जाए, -7 आ जाए। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप -3 के साथ -4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तब भी आपका -7 आएगा। आप -2 के साथ -5 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, -7 आएगा। आप -1 के साथ -6 को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, -7 आएगा।
तो आपको बस दो नेगेटिव नंबर ऐड करने हैं, इसमें से कुछ भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, हर बच्चे का डिफरेंट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, बोला है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और प्रोडक्ट निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 78 इंटू -48 प्लस -78 इंटू 52। क्वेश्चन आपको गिवन है ये वाला 52, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 78 में माइनस है या 48 में माइनस है, तो जो 48 का माइनस है वो 72 को दे देंगे, तो 48 का माइनस किसको दे देंगे, 48 का माइनस 78 को दे देंगे। क्लियर है इतनी बात, यानी ये वाला माइनस जो 48 में था 78 को दे दिया, क्यों दे दिया, क्या कि ताकि दोनों नंबरों का साइन सेम हो जाए। अब हम आराम से कॉमन क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन को कॉमन कर, अब क्वेश्चन आराम से कॉमन हो जाएगा, 78 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक तो 48 बचेगा और एक 52, तो 48 प्लस 52। क्लियर है बेटा, यहाँ पे 78 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यूटी है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो माइनस का 78, अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 48 इंटू 52 यानी 100, तो इसका आंसर आ जाएगा -7800। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या आएगा, वो आएगा -7800। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना है 65.129 फ्रॉम 95। क्वेश्चन नंबर एट, एट में क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 65.125 को फ्रॉम 98। जो फ्रॉम जिसमें लिखा होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं, फ्रॉम वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, यानी 95 से किसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 65.123 को। ये बात हमेशा याद रखनी है, जो भी नंबर जिस नंबर के आगे फ्रॉम लिखा हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे लिखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 95 से सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल तरीका है 95.000030 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जो नंबर है 65.123 उसके पीछे तीन नंबर है, तीन नंबर है तो 3 जीरो, दो नंबर होते तो 2 जीरो, ठीक है बेटा। और यहां लिख देंगे 65.123 और सिंपली माइनस कर देंगे। बस आपको रूल याद रखना होता है, जो फ्रॉम वाला नंबर होता है वो पहले लिखते हैं। अब 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8। क्लियर है, यहाँ पे हो गया 5 का 4 14, 14 में से 5 जाएगा क्या आएगा 9, 9 का हो गया 8, 8 में से 6 जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 29.877, ठीक है। कैलकुलेटर से भी आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर, का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे, 95.0, 95.000।